सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कार्तिक सेनी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आ गए आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे साथ मेरा एक जूनियर है वाशु। तो ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी जस्ट सेकेंड ईयर में है। और तो ये इसी ब्रांच का है मेरे कॉलेज में, NSUT में। और तो इसको एक प्रोजेक्ट मिला है और ये बेसिकली एक केस स्टडी कर रहा है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि अपने इलाके में आपने रैंडम काउस देखी होंगी घूमती हुई, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद आप वो आपको दिखती नहीं है। तो वो जाती कहाँ पर है, मीन्स क्या होता है उनके साथ, तो एक उसके ऊपर पूरी केस स्टडी करी है वाशु ने। तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगा तो जिसका वाशु आंसर देगा हमको। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो बताओ भाई वाशु, क्या क्या प्रॉब्लम है जो एक काउस फेस करती है आगे जाकर? देखा जाए तो काउ किस चीज के लिए यूज करी जाती है, कि हमें दूध दे दो या फिर खेतों में काम कराया जा सके। अब जब इन क्या होगा अगर इनके गायें दूध देना कम कर दें या फिर बंद कर दें, इनका काम यूज नहीं करा जा सकता फार्मर में, क्योंकि ये गायें हैं फीमेल, ज्यादा इनसे काम नहीं कराया जा सकता। इनके बुल हो तो काम कराया जा सकता है। अब इनका क्या होगा, फार्मर के ऊपर भी एक अलग से ट्रैप है, डेप्थ ट्रैप। अब वो क्या करें, अब वो पहले से डेप्थ में है प्लस इनके एक्सपेंसिव वो हैंडल कर नहीं सकते। तो इस चक्कर में जो गायें हैं वो बाहर रेंडमली छोड़ दी जाती है। अभी रेंडमली छोड़ने के बाद स्मगलर्स या फिर कुछ भी इलीगल जो आदमी हैं उनके पास अब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आ जाती है, इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल अधिकारी किसी बारे में ध्यान भी नहीं देगा इस बारे में। तो इट्स ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो ये काउस फेस करती है? कई तरह के हैं, डायरिया भी है, बिग फुट करके भी है कुछ, और एंड एक और बीमारी है जो कि आजकल ज्यादा फैल रही है, मतलब मैसिव अमाउंट में, जिनकी वजह से डेथ भी कॉज होने लग रही है। पर मैंने मेडिकल साइड ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं मेडिकल साइड कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर भी लूंगा, लेट्स से मैंने गौशाला गया एक और वहाँ पे इंजेक्शन लगवा दिए, वहाँ पे जो 30 काउस है वो ठीक हो गई, और उनके बाद उसके बाद अगर उन्हें इलीगली स्मगल करा जा रहा है या फिर उन्हें काट दिया जा रहा है हाउस में, तो उसका फायदा क्या रहेगा? सो आई थिंक स्लथिंग इज द मेन इश्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेडिकल इश्यू। गॉट इट। तो ये बताओ भाई कि जो सारी काउज जा कहाँ गए? ये सारी काउज एक पूरा नेटवर्क है जो कि शुरू होता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान से। अब बिहार हमें पता है, हम भी हरियाणा के हैं, हरियाणा, बिहार या फिर राजस्थान में बहुत सारी गायें होती हैं। यहाँ पे काऊ का मिल्क प्रोडक्ट या फिर खेतों की बाड़ी बहुत होती है। अब ये सारी गायें एक डीलर द्वारा उठाई जाती हैं। अब आप एक फार्मर हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपको दावा करा जाएगा कि मैं आपकी काऊ को किसी और ग्राहक के पास दूंगा, किसी और कस्टमर के पास दूंगा, जिसका यूज अच्छे से करेगा, इसको अच्छे से खाना देगा, इसका अच्छे से ख्याल रखेगा। पर अंदर ही अंदर आपको ये पता होता है इस काऊ के साथ क्या होने वाला है, पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो भाई ये बताओ, ये पुष्प ऑफ सेवन सिस्टम्स क्या है जो मैंने आपसे डिस्कस करा था? पुष्प ऑफ सेवन सिस्टम, इसके लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली सीधा सीधा कहूँ तो एक पूरा ट्रैप है जो मैंने अभी अभी बताया, एंड पुष्प ऑफ सेवन सिस्टम मेरा वन ऑफ द फेवरेट केस स्टडी है, वन ऑफ माई फेवरेट केस। ये सब शुरू होता है पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, यहाँ से सारे गायें लेके आई जाती हैं। लेकिन सेवन सिस्टर्स को शायद वो है ना नॉर्थ ईस्ट? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पहले तो आपने पंजाब के बारे में बताया, हरियाणा के बारे में बताया, लेकिन अभी आपने सेवन सिस्टर्स के बारे में अपने वो बताया नहीं है, तो वो बताओ हमारी ऑडियंस को। वो उसकी तरफ जाएंगे, अभी बताता हूँ कैसे क्या होगा। ओके बताओ। तो ये 2 मिलियन काउज हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इनसे सबसे आ रही है। ये सारे डीलर्स द्वारा कलेक्ट करी जाती हैं और लेके जाई जाती हैं यूपी में। यूपी एक लगा लो मार्केट प्लेस है जहाँ से आगे स्मगल होंगी गाय। यूपी में भी कुछ जगह है, उनके प्रॉपर नाम मैं बता सकता हूँ आपको, ये है गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सपोल, अरारी। यहाँ से आपको क्या होगा, एक लोनर होगा, मतलब जो यहाँ से वहाँ काउ को शिफ्ट करता है, वो क्या करेगा, मेरे पास 17 काउस लीगली रजिस्टर्ड है कि मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ बंदे जो पुलिस के होंगे या फिर पॉलिटिशियन होंगे उनके पैसे दोगे आप, अब वो 17 काउस को जो नंबर है उसको 50s में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब मेरे पास बचे कुछ नंबर्स आ गए इलीगली, वो इलीगल काउस हैं, अब 17 का जो बच गए मेरे पास इलीगल काउ, मैं उसे आसपास ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ
बिना किसी रोक टोक के, ना कोई पुलिस होगी ना कोई कुछ। अब ये सारी वेस्ट बंगाल, आसाम, बांग्लादेश कहीं कभी लेके जाई जा सकती हैं, क्योंकि इनके पास एक सर्टिफिकेट आ गया कि मेरे पास इतनी काउ है और मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं कहीं पे भी इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ यूपी से शुरू होती है। अब यूपी से शुरू होने के बाद ये बिहार के, अभी एक बिहार के पहले केस स्टडी आते हैं, उसके बाद मेरे फेवरेट केस सेवन सिस्टर्स पे आएंगे। बिहार में कुछ गाँव हैं आउटर रीजन में जो कि एकदम बॉर्डर्स के लगते हैं, उनका नाम है हमीदपुर, जगताई, देवीपुर, नौरतपुर, वजीपुर। ये एकदम बॉर्डर के लगते लगते हैं, यहाँ पे गायें इकट्ठी करी जाती हैं। पुलिस इनके ऊपर बहुत ध्यान दे रही हैं कि हम ये स्मगलिंग ना होने दें, पर क्या है वहाँ पे इतने सारे फार्मर्स हैं, वहाँ पे पहले 50 काउस इकट्ठी हैं उनकी खुद की। अब आप समझ लो एक ऑफिसर हो पुलिस के और हर एक बंदा वहाँ पे अपनी गाय रखता है, कोई नई गाय है आपको क्या पता वो उसकी है या किसी और की, नहीं आप नहीं पता लगा सकते। तो इस चक्कर में पुलिस पता नहीं लगा पाती और वो कोई दूसरे, ये फॉरेन कंट्री में हो रहा है, स्टेट्स में नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। अब हर जगह कोई बॉर्डर की फैसिलिटी है नहीं, फेंसेस लगे नहीं हुए, कई जगह नाला है, कई जगह पानी है, बस उन्हें क्रॉस कराया जाता है। और मैक्स टू मैक्स भैया आप बताओ कितने ले लेते होंगे एक आदमी, ये इलीगल काम है द सेकेंड थिंग, पुलिस का खतरा है, थर्ड थिंग जान का खतरा, कितने लेता होगा एक आदमी, अंदाजा बताओ। आपकी जान पे खतरा है, आप ऐसे काम कर रहे हो इलीगली, कितने ले लोगे आप, कितने के एक उसके, हाँ एक उसके बता दो कितने हो सकता है, 10,000। और ये आदमी एक काम सिर्फ 2,000 में करता है, वो पूरे झुंड का। आप एक काउ के 10,000 ले रहे हो और वो बंदा सिर्फ 2,000 रुपए लेता है। इससे पता लगता है जो उस गांव में है मेन चीज़ है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दो, गवर्नमेंट कहे कि मैं हम आपको एम्प्लॉय कर लेंगे तो उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर समझ लो आपके पास 50 की जगह 100 का ग्रुप आ जाए तो आप उसके केस में रेट बढ़ाओगे कि मैं 2,000 नहीं 3,000 लूंगा। पर इस केस में ये बंदे किस हिसाब से रेट बढ़ाते हैं कि भाई अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो मैं रेट बढ़ाऊंगा, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और प्लस वहाँ के ब्राइब करे गए कॉप्स एंड पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए कुछ करा नहीं जा पा रहा। अब मेन केस आता है हमारा सेवन सिस्टर्स पे जो मैं बताने लग रहा था, द पुष्पा वीरप्पन को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, वीरप्पन इसको, हाँ दोनों को, वीरप्पन, वीरप्पन एक अलग आदमी था, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, नॉट इंस्पायर्ड बट वेरी इम्प्रेस्ड। वीरप्पन तो एक अलग ही किस्म का आदमी था, वो उसके बारे में आते हैं, पहले सेवन सिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो उसके बाद करना। तो अभी तक हमारे पास यूपी में आ गई हैं, यूपी से भी आगे लेके जाए जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट बन चुका है। अब ये एक आसाम में लेके जाए जाती हैं, आसाम बोधी मतलब कह सकता हूँ सेवन सिस्टर्स में फैला हुआ है। तो सेवन सिस्टर्स में जब ये मॉनसून का टाइम आता है 3 से 4 बार हर एक साल में ये नदी का बहाव बढ़ जाता है, नदी में वो गायों के आसपास रैप कर देते हैं पत्ते, बनाना के पत्ते, और उन्हें पानी में डाल देते हैं, फेंक देते हैं ताकि वो वहाँ से बह के बांग्लादेश में चली जाए। अब बांग्लादेश के अंदर दो वैली आती हैं, उनके बीच स्मगलर्स इन गायों को उठा लेते हैं, उन वैली का नाम है मंकचर और बरक वैली, ये बांग्लादेश के अंदर ही पड़ती हैं। आसाम और बंगाल में एक और चीज़ है मड फॉल्ट्स जो मेघालय हिल्स में भी हैं, उसमें क्या होता है पानी का पहले बहाव बढ़ा था अब कम हो गया है तो वहाँ पे मड है, वहाँ की चीज़ें जो हैं वहाँ का जो एरिया है वो सिर्फ लोकल को पता होगा, अब लोकल्स वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये चीज़ होने लग रही है। ये है सेवन सिस्टर्स, पुष्पा ऑफ सेवन सिस्टर्स, पूरा बड़ा स्मगलिंग एरिया है। अब ये सिर्फ एक नहीं है, ये सिर्फ आसाम की बात है, वन आसाम, अभी त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है एंड अदर थिंग, मणिपुर भी और भी हैं। अब बिहार, जलीपुरी, नॉर्थ बंगाल जो हैं, मुल्दा, मशीद बदम, नादिया, बंगाल में जो साउथ 24 परब्स, ये 2/3 ऑफ द बांग्लादेश कवर करते हैं। ये जो सारे जो मैंने नाम ले ये इंडिया में आते हैं, ये सारे इंडिया में आते हैं, उसके बावजूद भी 2/3 ऑफ द बांग्लादेश कवर करते हैं, मतलब एक ओवरलैप रीजन है, यहाँ से आराम से स्मगलिंग हो सकती है, ना कोई बॉर्डर है ना कुछ है, प्लस ये सारा फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। अगर जहाँ पे फॉरेस्ट आ गया, पूरी आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी, पूरा का पूरा जंगल है, वहाँ पे स्मगलिंग क्यों नहीं हो सकती, प्लस वहाँ के लोकल्स हैं। ये त्रिपुरा से, मेघालय से, साउथ ऑफ त्रिपुरा, वेस्ट ऑफ त्रिपुरा से सीधा बांग्लादेश में पहुंचाए जाते हैं।
सबसे मेन चीज मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती है इसमें वो है मंकाचर। अभी हमने बात करी मेघालय से, होने लग रही है ट्रांसपोर्टेशन स्मगलिंग, आसाम से हो रही है और बांग्लादेश में होने लग रही है। मंकाचर इन तीनों के बीच में आता है, आसाम मेघालय और बांग्लादेश के बीच में। ये सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है वेस्ट गोरा हिल से, जहाँ की जो मैंने बताया कि 2/3 ऑफ द एरिया कवर करते हैं बांग्लादेश, उनमें से एक हिल जो कि वेरी एक्टिव स्मगलिंग एरिया है, सिर्फ 30 किलोमीटर उससे दूर है, 20 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। और एवरेज सेलिंग यहाँ पर डे के हिसाब से, ना वीक ना मंथ, पर डे के हिसाब से 500 काउस की होती है। sure. और ईद में ये 3000 चली जाती है। तो आप समझो 500 पर डे, नॉट मंथ नॉट वीक, पर डे। पर ये था, अगर मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई, 15,000 काउस पर मंथ, मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई ये मार्केट कितना कमा सकता है। अब हमने आसाम में भी देखा इलीगल स्मगलिंग हो रही है, त्रिपुरा में भी। सिर्फ मैं इस एक मार्केटिंग की आपको कोस्ट बताऊँ ना, मतलब एक इस मार्केट की कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो है इतना। बहुत पाँच हजार करोड़। ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देना जो मेरी रिसर्च है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेगा। तो ये थी मेरे सेवन सिस्टर्स ऑफ पुष्पा ऑफ सेवन सिस्टर्स की केस स्टडी। ओके भाई, हाँ तो भाई अब मुझे तुम वो बताओ कुछ वीरप्पन के बारे में। वीरप्पन की एक अलग स्टोरी है। वीरप्पन के गाय और वीरप्पन के बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। वीरप्पन पहले का आदमी था, एक लगा लो माफिया, जिसने दो स्टेट को जाके रखा था। अच्छा। पूरे इंडिया में उसका डंका था, सब उससे डरते थे। अब इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। ओके सो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ वी आर टॉक्ड अबाउट नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न स्टेट्स, नाउ लेट्स कम टू साउथ। तो साउथ में क्या सीन है अभी? साउथ का मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सबको पता है कि मतलब मुझे पर्सनली पता है कि हाँ साउथ में भी ये चीज़ होती होंगी, बल्कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वेज की नॉन वेज की डिमांड रहती है कि वहाँ हमें बीफ चाहिए या फिर कुछ फिशेस वगैरह चाहिए खाने के लिए। उसके बावजूद भी साउथ के साइड कोई भी स्मगलिंग का नाम निशान भी नहीं है। अच्छा। वो थोड़ा हिडन रखते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस। उसके बावजूद एक एक्सप्रेस वे है जो मुंबई और हैदराबाद को कनेक्ट करता है शायद, वहाँ पे 2-3 बार पोस्ट टूटे गए हैं, मतलब ओपन स्मगलिंग होने लग रही है। अच्छा। पर साउथ की साइड हिडन रहता है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता ना, क्योंकि ना किसी के पास प्रूफ है। थोड़ा मिस्टीरियस वे में बिहेव करते हैं, ओपन अच्छा। नहीं है तो बाहर निकल नहीं देते। तो फिर अब ये बताओ कि गवर्नमेंट और हम क्या कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या कर दिया है? गवर्नमेंट अभी स्कीम थोड़ी थोड़ी चलाने लग रही है, पर उनकी कुछ चल नहीं रही है। वही बात है, अगर आपने स्कीम लॉन्च कर दी, समझ लो स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लॉन्च कर दी, ग्राउंड तक काम नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रही। अब स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लॉन्च कर दी, हमें पता ही नहीं वो स्कीम एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो कितना ही वर्क कर लेगी, नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, यूपी साइड काम होने लग रहा है, मैं कहूँगा कि कुछ जगह रेट गिरने लग रही है और वो बंद होने लग रहे हैं सत्र हाउसेस, पर जितना इम्पैक्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा। और हम अपने हिसाब से ये कर सकते हैं कि मैं अवेयर कर सकता था, मैंने आपको करा, माय वर्क इज डन। अब मैं एक रिवॉल्यूशन करूं या फिर कोई घर रोड पे जाके धरना वगैरह, या फिर क्यों मैं एक रैली वगैरह चलाऊं, वो एक टेम्पररी इम्पैक्ट होगा, वो उसके गवर्नमेंट को पता रहेगा कि ये 2 मिनट का काम है, उसके बाद ये वापस डल जाएगा। पर जो अवेयरनेस होती है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपने पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू जो भी कहो वो देखा, आपके दिमाग में रहेगी, एक इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। समझ लो इन द केस आप बड़े होके ऑफिसर या फिर किसी भी पोस्ट पे लगो, आपके दिमाग में चीज़ रहेगी, शायद मैं ये चीज़ ठीक कर सकता हूँ, या फिर आप अपने दोस्तों के बताओगे तो चीज़ फैलेगी, वो फैलेगी तो फिर गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस यही था इतने, आई होप कि आपको सारा जो वासु ने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ समझ आ गया होगा। और हम बस एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन रैंडम काउज जो हमारे आस पड़ोस में घूमती हैं तो हमें वो कैसे सेव कर सकते हैं, अपनी आवाज़ हम गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को ज़रूर बताइए इस प्रॉब्लम के बारे में। तो यही सब था, बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमने अवेयरनेस करना चाहा है वो किसी गवर्नमेंट को सतर्क करने के लिए नहीं करना चाहा है, बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था, जस्ट अवेयरनेस। प्लस मैं एक काम मिशन आपकी तरफ से कर रहा हूँ,
दिस रिसर्च इज डन बाय मिशन होप, आई एम अ वॉलंटियर ऑफ हिम. तो हमारे मिशन होप है, अ मिशन टू गिव एवरीबॉडी होप इन ऑल पर्सपेक्टिव हैप्पीनेस. दैट्स ऑल. थैंक यू.